सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप संस्था दिल्ली के माध्यम से भंडारा शहर में पत्रकार परिषद ली गई जहां एडवोकेट शिका मिश्रा एडवोकेट हिमानी नसीन शेख इन्होंने पत्रकार से बात करते हुए बताया कि 3 दिनों की प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई है। मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप संस्था दिल्ली के माध्यम से भंडारा शहर के विके होटल में पत्रकार परिषद रखी गई जहां एडवोकेट श्रीकांत मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमारी एनजीओ भंडारा के तालुका से महिलाओं के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं के साथ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिससे जो शासन की न्याय प्रणाली है वहाँ तक कुछ महिलाएं नहीं पहुँच पाते उन्हें कानूनी जानकारी देने के लिए हमारी संस्था उन्हें मदद करती है जिसके लिए हम जिले में भंडारा तालुका के कुछ गांव की महिलाओं को जानकारी एवं 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है। मेरा नाम एडवोकेट शिखा मिश्रा है और मैं मार्च संस्था में वकील के तौर पे काम कर रही हूँ और ट्रेनर हूँ। यहाँ पे भंडारा में हमने 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी जहाँ पे कानून की जानकारी दी जाएगी और महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है जैसे कि अपराध क्या होता है जो कि इनको समझ में आएगा कि अच्छा ये कानून है और इसकी वजह से DLSA से कनेक्ट कराना प्रोटेक्शन ऑफिसर से कनेक्ट कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। 40 साल हो चुके हैं 1985 में इस संस्था का जो है नींव रखी थी स्थापना की गई थी जो लेट है वसुधा दागमवार मैम उनके द्वारा तो उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया जो खुद एक वकील थी और अभी 40 साल हो गए हमने ये काम करते हुए और जो हमारा प्रोजेक्ट है समता वो यूपी और बिहार में भी काम कर रहा है और हम महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले में काम कर रहे हैं। पिछले साल से हमने इसमें काम करना स्टार्ट किया था थोड़ा हमने इस पर रिसर्च की बेसलाइन स्टडी बनाई और उसके बाद हमने एक कार्यशाला का प्रारूप तैयार किया जिसमें 3 दिवसीय कार्यशाला तैयार होगी 3 राउंड्स होंगे सप्ताह के। हमारे पास 12 से 15 केसेस आए हुए हैं जिसमें से सॉल्व जो केस किए हमने वो 4 कर पाए हैं और बाकी लोगों के जो केस हैं वो अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं DLSA और अदर प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ। सबसे जो पहला एक स्टेप है वो ये है कि हमारे प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो है नसरीन शेख वो यहाँ पर भंडारा जिले में काम करती हैं स्थानीय रूप से यहाँ पर रहती हैं और अगर आपको फिर भी हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो वो सीधे हमसे कॉन्टेक्ट करवाएंगी और अगर नहीं हो पाता है तो आप मार्क की वेबसाइट पर जाएंगे तो मार्क NGO करके दिल्ली में हम बेस्ड हैं आप वहाँ पे हमें फोन कर सकते हैं मेल लिख सकते हैं जैसा भी आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहो हम उनपे अवेलेबल रहेंगे। इन बेस्ट न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंदालोरी की रिपोर्ट।